सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये डायनासोर वाली और जो ज़मीन क्रैक हो जाती है, अर्थ क्रैक हो जाती है ना, ये वाली वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा। ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल होती है। ये राना मुनीर भाई बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उसकी वीडियो मिलियन तक जाती है। और ये दूसरा है साजिद टिकटॉकर, वो भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही वीडियो सिखाऊँगा, वो भी कैपकट के अंदर। तो मैं यहाँ से कैपकट को ओपन करता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहां से मैं कैपकट को ओपन करता हूं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और जिस वीडियो को मैंने एडिट करना है वो वीडियो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरी वीडियो है, आपने वीडियो की शूटिंग कुछ इस तरह से करनी है। ये मैंने वीडियो जो है ना, वो मैंने राना मुनीर भाई से मंगवाई है, यह उसी की वीडियो है और वहीं आप लोगों को एडिट करके भी दिखाऊँगा। तो ये वीडियो है, ये कुछ इस तरह से इन्होंने शूटिंग की है, आपने ये बिल्कुल इसी तरह की शूटिंग कर लेनी है, वीडियो को पूरा समझ लेना है और आखिर में आपको आपके पास इस तरह का बैकग्राउंड भी आना चाहिए जिस वीडियो का होना चाहिए, सही है। तो ये तो हो गया हमारी वीडियो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है ना, हम यहाँ पर एक डायनासोर लगाएंगे। डायनासोर आपको मिलेगा यूट्यूब से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, सही है। तो ये डायनासोर की वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये रही डायनासोर की वीडियो, सही है। यहाँ पर मैं डायनासोर को ऐड कर देता हूँ, ये फालतू हिस्सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना, इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ग्रीन स्क्रीन कटआउट पर क्लिक करूँगा और क्रोमा की पर क्लिक करूँगा, सही है। और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करके इसका जो ग्रीन स्क्रीन है ना, वो यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो ये डायनासोर का जो ग्रीन स्क्रीन है वो हमने रिमूव कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है इस तरह से, और उसको हमने पीछे इस तरह से लगा लेना है, ताकि इस तरह से यहाँ पर हमने इसको लगा देना इस तरह से। और यह आहिस्ता आहिस्ता आप ऑटोमेटिक ही जो है ना, वो ये बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो शेडो मेडो वगैरह सब आपने सही तरीके से लगा लेनी है। तो मैंने ये लगा लिया है, कुछ इस तरह से लगेगा। इसका भी जो वॉल्यूम है वो मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो यह कुछ इस तरह से लगेगा, ये देखिए। इसकी मैं स्पीड जो है ना, वो थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये वीडियो के साथ बिल्कुल मैच हो जाए, सही है। उसको मैं इस तरह साइड पर करता हूँ, यहाँ पर ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, देखे इस तरह से। ये जैसे हाथ हाथ ऊपर कर रहा है ना, यहाँ पर आपने यहीं पर एक कट लगाना है और यहाँ पर आखिर में आ करना आपने एक यहाँ पर फ्रीज़ फ्रेम ले लेना है। फ्रीज़ फ्रेम पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद आखिर में जो आपके पास ये बैकग्राउंड है ना, आपने सिर्फ ये बैकग्राउंड रख लेना है, सही है। और दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको आपने डिलीट कर देना है। इस हिस्से पर मैं क्लिक करूँगा जो हमारे पास पिक्चर आई है, और यहाँ पर मैं आऊँगा कट आउट के ऑप्शन पर, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड कर दूँगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान देना है, थोड़ा सा आगे करके ना इस तरह से आपने इसको जो है ना ऊपर की तरफ इस तरह से उठा लेना है, सही है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगी, ये भी अब चेक करें, इस तरह से ये हो गया। अब ये जो अर्थ क्रिक है ना, वो भी यहाँ पर हम लगाते हैं कि जो ज़मीन क्रिक हो जाती है वो कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर भी ये यहाँ पर हम लगा देते हैं, एड ओवरले करेंगे। और यहाँ पर ये रही अर्थ क्रिक वाली जगह, इसको भी आपने यहाँ पर लगा देना है, सही है। इसको इस तरह से बड़ा कर देना है और कटआउट पर यहाँ पर भी क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करके इसको भी जो इंटेंसिटी है ना, इसको आपने इस तरह से बढ़ा देना है और शेडो को जो है इसकी यहाँ पर फुल कर देना है, सही है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगी, अभी आप चेक करें इस तरह से। अभी ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब मैं यहाँ से भी ये कर देता हूँ, इसको भी ये साउंड ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, वीडियो कुछ इस तरह से लगेगी। ये देखिए अर्थ है, वो भी क्लिक हो गई। ये दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने वहाँ से डायनासोर जो है वो भी डाउनलोड कर लेना और ये दूसरी वीडियो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो वीडियो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ शूटिंग में ध्यान रखना है कि आपने वीडियो किस तरह से शूट किए, बाकी वीडियो आपकी एक सेकेंड में बन जाएगी, इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आपके पास ग्रीन स्क्रीन वीडियो होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।